जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर एसएससी एमटीएस भर्ती 2023 के लिए बड़ी अपडेट आई है एडमिट कार्ड को लेकर और एग्ज़ाम डेट एंड सिटी को लेकर। यहाँ पर जो है आप लोगों की 2 मई से लेकर 19 मई का जो पहला फेज़ होना है आप लोगों के एग्ज़ाम का, उसके लिए एप्लीकेशन जो स्टेटस है और आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट और जो सिटी है, ठीक है, वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और एडमिट कार्ड भी आप कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। कैसे चेक करना है एप्लीकेशन स्टेटस और कैसे जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 मई से लेकर 19 मई तक पहला फेज़ होगा और जो सेकेंड फेज यहां पर होने वाला है वो 13 से लेकर जो है 19 जून तक, ठीक है, ये आप लोगों का कंडक्ट होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, कैसे एप्लीकेशन स्टेटस और एग्जाम सिटी और डेट्स का इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है, और यहाँ पर एक वेबसाइट आपको सर्च करनी है haryanajobs.in करके, ठीक है, ये वेबसाइट है। यहाँ पर आप अपने स्टेट वाइज जो रीजन वाइज जो है आप अपने एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को आना है, नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा SSC MTS एडमिट कार्ड 2023 करके, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर नीचे जो है आप लोगों के रीजन वाइज लिंक अवेलेबल करवा दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आएँगे और लिंक पर जो है सिंपल सा क्लिक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपके सभी रीजन्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो यहां पर जो है आप लोगों को अपने रीजन जो है उस पर क्लिक यहां पर कर लेना। जैसे कि अगर हम यहां से वेबसाइट पर जाते हैं तो आप लोगों को यहां पर अलग अलग रीजन जो है दिखाई देंगे, ठीक है। और अगर आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते तो यहां से आप लोगों का जो है लिंक एक्टिव है, जैसे कि यहां पर KKR रीजन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप का पेज आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो ये जैसे कर्नाटका केरला रीजन का अभी जो है लिंक एक्टिव कर दिया गया है। अगर आप इस रीजन से तो यहां पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो और डेट ऑफ बर्थ डालकर यहाँ पर जो है एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। और जैसे ही आप लोगों की एग्ज़ाम होगा, अगर एग्जांपल के लिए आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, जैसे कि यहाँ पर जो डेट दी गई है, ठीक है, उस डेट में अगर आपका एग्ज़ाम 2 मई को है, ठीक है, 2 मई को एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर आपका उससे 4 दिन पहले एडमिट कार्ड का प्रिंट आप निकाल सकते हैं। जो बाकी रीजन वाले हैं वो भी इसी तरीके से जो है अपना एडमिट कार्ड और जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए जो बाकी स्टेट्स वाले हैं वो कैसे अपने एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन स्टेटस जो है डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑफिशियली वेबसाइट दिखाई दे रही है, इसमें आप लोगों को जो होम पेज दिखाई देगा कुछ तरीके से, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया एडमिट कार्ड वाला। तो यहाँ पर आप लोगों को आना होगा एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर, और एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे जब आएंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप चेक कर लेंगे कि आपका जो स्टेट है वो किस रीजन में आता है। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग जो है रीजन्स दिए हैं और उन रीजन्स में जो है अलग अलग स्टेट्स जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें ईस्टर्न रीजन, कोलकाता केरला रीजन, साउथर्न रीजन, ठीक है, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ये अलग अलग जो है यहाँ पर रीजन्स है। जैसे कि अभी एक केरला वाला जो रीजन है उसका एडमिट कार्ड आया, तो इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से जो है ये अपडेट मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये है क्लिक हेयर टू नाउ द एप्लीकेशन स्टेटस फॉर मल्टी टास्किंग स्टाफ, ठीक है, ये आप लोगों का जो Tier 1 होना है 2/5/2023 से लेकर, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों का 6/4/2023 तक ये जो है आप लोगों का दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है यहाँ से आके अपना एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है, इस टाइप का पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, सेम प्रोसेस है। और अब चेक करते रहिए अपने स्टेट का, 1-2 दिन में सभी स्टेट्स के जो है या सभी रीजन्स के जो है एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएंगे। इस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हैं और एडमिट कार्ड भी सेम प्रोसेस से आप डाउनलोड करना होगा, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।